स्वागत है आप सभी का इस 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस जर्नी के पार्ट टू में। इस वक्त हम सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, जो कि आज के इस पार्ट टू में हमारा सबसे पहला हॉल्ट होने वाला है। आप सभी से रिकमेंडेशन है कि वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। वन डबल टू थ्री एट बेगमपुरा एक्सप्रेस की सहारनपुर जंक्शन पर निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है रात को 10:08। यहां पे एड्रेस 7 मिनट का हॉल्ट लेती है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अपना अराइवल हो रहा है। सहारनपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है SRE। टोटल यहां पे 6 प्लेटफॉर्म है। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि यहां से एक लाइन शामली होते हुए दिल्ली की ओर चली जाती है और एक लाइन यहां से फिर मुजफ्फरनगर मेरठ सिटी होते हुए दिल्ली की ओर चली जाती है। अब हम यहां से बढ़ जाएंगे रुड़की लक्सर होते हुए मुरादाबाद की तरफ। उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में से एक है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। सहारनपुर जंक्शन में 150 से भी ज़्यादा ट्रेन आके हॉल्ट लेती हैं और कुछ ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट भी करती हैं। उसमें मोस्टली मेमूज और पैसेंजर टाइप ट्रेन हैं। बेगमपुरा एक्सप्रेस आज अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से आई है सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे, तो इसे 2 मिनट के बाद ही स्टार्टर दे दिया गया है। ये रहे प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6, एकदम सुन पर रखे हैं भाई। कुछ सिक्का दुक्का लोग ही हैं इधर, वो भी सो रखे हैं, शायद उनकी ट्रेन वगैरह लेट है। भाई साहब एक चीज़ मैंने नोटिस करी यार, कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 एक ही उस पर है क्या? क्योंकि वहां मैंने देखा था प्लेटफॉर्म नंबर 4 लिखा हुआ था, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 लिखा हुआ है। सहारनपुर से निकलने के बाद ना हमारी ट्रेन ठीक ठाक नॉन स्टॉप रन लेने वाली है। अब सीधा जाके रुकेगी मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। रात को 1:15 आएगा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन। अब वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी फ्लो ब्लॉग से दर्शकों का। इस वक्त हम लखनऊ के आलम नगर रेलवे स्टेशन में रुके हुए हैं। करंटली इस वक्त 6:40 हो रहे हैं। पिछले आधे घंटे से हमारी ट्रेन लखनऊ के इसी आलम नगर रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है और हम अकेले नहीं है जो आलम नगर रेलवे स्टेशन पर रुके हुए हैं। साथ में कंपनी देने के लिए इधर देखी है अमृतसर न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस, जिसने कल हमें जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक करा था। ओवरटेक तो नहीं कहेंगे उसे, माफ कीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ओवरटेक करा था, एक तरह से कह सकते हैं कि इसने हमें क्रॉस किया था। आलमनगर में रुकने का कारण सबसे बड़ा ये है कि ये ट्रेन इतना बिफोर आ गई ना भाई लखनऊ पर, तकरीबन 1 घंटा बिफोर ये आकर आलमनगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी। 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है 7:10 और यहाँ से हमें तकरीबन 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो देखते हैं कब इसे आलमनगर रेलवे स्टेशन से क्लियरेंस मिलती है। करंटली इस वक्त 7:10 हो गए हैं, जो कि बेगमपुरा एक्सप्रेस का ऑफिशियल टाइमिंग है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचने का। तो अभी अभी जस्ट क्लियरेंस मिली है,
अमृतसर न्यू तिनसुखिया एक्सप्रेस को, जिसकी अराइवल टाइमिंग सुबह 6:30 की है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे। इसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है दिल्ली से चलकर प्रतापगढ़ के और जाने वाली प्रतापगढ़ के लोगों की आन बान शान पद्मावत एक्सप्रेस। आई मीन सीरियसली हद है यार, बेगमपुरा एक्सप्रेस कहाँ 1 घंटा बिफोर आ चुकी थी लखनऊ की टेरिटरी में, बट यहाँ देखिए ऑलरेडी इसका टाइम हो चुका है भाई लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुँचने का। बट ये ट्रेन अभी भी आलमनगर रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। खैर हमारी ट्रेन तो चलो बिफोर आ गई थी, इसलिए इसको यहाँ पर रोका गया। यहाँ बेचारी अमृतसर न्यू तिनसुखिया एक्सप्रेस और इधर पद्मावत एक्सप्रेस, ये तो भाई बेचारी डिले थे यार, इनको और डिले करा दिया गया है। मेरे ना सुबह 6:20 के करीब आँख खुली, जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा था हमारी ट्रेन आलमनगर रेलवे स्टेशन रुकी हुई है। उसके बाद मैंने मुँह हाथ धोया, ब्रश व्रश करा, सब कुछ करा, अब भाई बैठ गया हूँ, चाय का वेट भी कर रहा हूँ कि अब जल्दी से लखनऊ आए तो चाय वगैरह पिया जाए। वैसे खैर इधर आलमनगर रेलवे स्टेशन पर चाय वगैरह, ब्रेड पकौड़े वगैरह और सुबह सुबह का नाश्ता वगैरह आपको मिल जाएगा। सुबह 7:20 पे हमारे ट्रेन को आलमनगर रेलवे स्टेशन से क्लियरेंस मिली है। पूरे 30 मिनट के विलंब के साथ अपना प्रस्थान हो चुका है नवाबों के शहर लखनऊ के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे। 7:40 में हमारी ट्रेन यहाँ पे आई है, 7:10 पे इसका निर्धारित टाइमिंग है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे आने का। स्टेशन कोड है LKO। आपको बताऊँ लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का और लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एयरपोर्ट कोड दोनों का ना सेम है, इसका भी LKO है, उसका भी LKO है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपना अराइवल हुआ है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है अमृतसर न्यू तिनसुखिया एक्सप्रेस। यार मुझे लगा था कि इसको अब तक डिपार्चर मिल गया होगा, बट ये अभी तक यहीं पे है। लास्ट टाइम जब मैंने बेगमपुरा एक्सप्रेस में जर्नी करी थी ना, तब मैंने करी थी उसे वाराणसी जंक्शन से लखनऊ चारबाग के बीच में, और उसमें भाई मेरा ना कम से कम 24,000 का फटका लगा था। क्योंकि पता क्या हुआ, मैं बाहर आके ऐसे रिकॉर्ड करा था, मेरे जो कान का एक बर्ड्स नहीं है वो भाई मैं ऐसे थोड़ा सा बेंड हुआ था, और पता नहीं कैसे यार होना तो नहीं चाहिए और वैसे होता भी नहीं है, बट उस दिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी ना। और वही है ना भाई, जब किस्मत ख़राब हो आपकी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो उस दिन भाई मेरा एक बर्ड्स खो गया। अब भाई क्या ही बताऊँ भाई, उस दिन मतलब बहुत दिल से बुरा लगा था, और उस दिन भी मेरा प्लान था कि भाई मैं इसे पूरा करूँ आगे तक, लेकिन ऐसा मूड ऑफ बना उस फटके लगने के बाद, मैंने लखनऊ चारबाग में भाई उसे ट्रेन डिवोट कर दी थी। अगर आपने वो जर्नी नहीं देखी तो अगर चैनल पर देख सकते हैं। लोकली लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन को ना बड़ी लाइन कहा जाता है, और लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन को छोटी लाइन कहा जाता है। लखनऊ चारबाग जो रेलवे स्टेशन है इसे NR यानी नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट करता है, और वही जो लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन है इसे नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे ऑपरेट करता है। दोनों के बीच में डिस्टेंस का फासला कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आप जैसे ही स्टेशन के बाहर से निकलेंगे आपको सामने ही दिख जाएगा लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी ना मुझे रास्ते में लखनऊ मेल दिखी, तो पता है वो यार्ड की तरफ जा रही थी। आप सोचेंगे लखनऊ मेल दिखी तो भाई इसमें क्या बड़ी बात हो गई, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ चीज़ नोटिस करी। हाँ, तो वो चीज़ ये थी कि ना बीच में उसे ना लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से चलाया जाने लगा था, यानी छोटी लाइन से। तकरीबन 1-2 साल हो गए, क्योंकि उस टाइम पे NR का कहना था कि हमें लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का लोड कम करना है। 15 अगस्त 2024 से उसे वापस नॉर्दर्न रेलवे ने अपने पास ले लिया है, और अब वो उसे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से चलाएगा। तो इन फ्यूचर अगर आपकी उसमें जर्नी है तो भाई आप लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से आपको उस ट्रेन को बोर्ड करना है। मैंने सोचा कि ये जानकारी आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि यार जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं ना वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं भाई लखनऊ चारबाग और लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन में। क्योंकि अगर आप टिकट बुक करेंगे ना तो लखनऊ का सिर्फ लखनऊ लिखा आता है, और लखनऊ जंक्शन से चलने वाली ट्रेनों के ऊपर लखनऊ जंक्शन लिखा आता है, तो सिर्फ एक जंक्शन का ही फर्क आता है। तो भाई इसी चक्कर में ना लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अगर फ्यूचर में आपको लखनऊ मेल एक्सप्रेस बोर्ड करनी है तो भाई आपको जाना है अब लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। और भाई इससे एक प्रॉब्लम अब ये भी होने वाली है कि अब शायद डाउन के वक्त जब लखनऊ मेल यहाँ से डिपार्चर लेगी ना, तो उस टाइम पे शायद और ट्रेनों को डिटेन होना होगा आलमनगर रेलवे स्टेशन या पीछे दिकूशा के आसपास। क्योंकि अब लखनऊ की भाई टॉप प्रायोरिटी ट्रेन है वो तो आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही निकलेगी, और कितना भी अगर आ जाए तो 30 मिनट तो पहले बिफोर लगेगी रेलवे स्टेशन पे, है ना। 30 मिनट मतलब हार्डली 3 ट्रेनें उतने टाइम में पास हो सकती है अगर 10-10 मिनट का हॉल्ट लेता हूँ। भाई यहाँ एक चाय और एक पानी का बोतल ले लिया, अब देखते हैं कुछ नाश्ता वगैरह मिले तो वो भी लें। ए आई
भाई बेगमपुरा एक्सप्रेस में कुछ दो ना दो भाई, इसमें सबसे पहले एक पेंट ट्रे कार को कोच दो यार, क्योंकि इतनी लंबी दूरी ये तय करती है ट्रेन, ऑलमोस्ट 22.5 घंटे का इसका जर्नी टाइम है, और इसमें भाई पेंट ट्रे कार नहीं है यार, ये मतलब मुझे समझ ही नहीं आता यार, छोटी से छोटी जर्नी वाली ट्रेन में पेंट ट्रे कार लगता है, बट इसमें नहीं लगाया। कभी कभी भाई इंडियन रेलवे के कुछ लॉजिक्स ना कभी समझ के परे ही हो जाते हैं। लखनऊ से निकलने के बाद ना हमारी ट्रेन ना अब सुल्तानपुर के रास्ते बनारस की ओर जाएगी। लखनऊ से बनारस के बीच में ना तीन रूट है, एक वाया जाता है रायबरेली होते हुए, दूसरा जाता है वाया अयोध्या होते हुए, और तीसरा जाता है वाया सुल्तानपुर होते हुए, और इन तीनों में ना सबसे जो फास्टेस्ट रूट है ना वो वाया सुल्तानपुर वाला है, क्योंकि इसमें ट्रेनें कॉन्स्टेंटली 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। सुबह 7:55 में अपना डिपार्चर हुआ है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से, तो इस ट्रेन के पास पूरे 4 घंटे 35 मिनट है ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। फाइनली भाई यहाँ अपना साथ छूटने वाला है पद्मावत एक्सप्रेस और अमृतसर न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस से, एक जाएगी वाया गोरखपुर के रास्ते, एक जाएगी वाया रायबरेली, और हम जाएंगे अब वाया सुल्तानपुरी होते हुए। किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट के महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन में, जिसे पहले निहालगढ़ रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, और ये सर्व करता है अमेठी डिस्ट्रिक्ट को। निहालगढ़ कहें या आपका महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कहें, यहाँ के ना भाई समोसे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो अभी चलते हैं समोसे लेने। सुबह 9 बजे हमारी ट्रेन यहाँ पे आई है, वैसे इसका निर्धारित पहुँचने का टाइमिंग है निहालगढ़ या कहें महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन पे सुबह 8:36 पे, और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है अपने निर्धारित समय से, जैसे कि मैंने बताया 1/2 घंटे के विलम्ब से हम यहाँ पे आए हैं भैया। और यहाँ 25 के 3, 50 के 6 मिल जाएंगे और 100 के 12 समोसे मिल जाएंगे। देखिए ऐसे होते हैं समोसे, फेमस होने का यही परिणाम होता है कि इतने छोटे छोटे समोसे 25 के 3 मिल रहे हैं, जबकि दिल्ली ऐसे बड़े शहरों में ना आपको 12 रुपये या 14 रुपये का अच्छा खासा एक बड़ा समोसा मिल जाएगा, अगर कंपेरेटिवली उससे करें तो भाई ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। स्टेशन पर आपको अच्छी खासी हरियाली, इसके अलावा कुछ बैठने की जगह, इक्का दुक्का स्टॉल और सिर्फ समोसे के हॉकर्स यही देखने को मिलेगा, बट डिबोर्डिंग यहाँ पे अच्छी खासी हो जाती है क्योंकि अमेठी डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है। वैसे जो अमेठी रेलवे स्टेशन है ना वो प्रतापगढ़ वाली लाइन पे है, प्रतापगढ़ रायबरेली वाली लाइन पे। वैसे साइज इनके छोटे होते हैं लेकिन भाई एकदम गर्मा गर्म है, और भाई फ्रेश वगैरह एकदम रहते हैं। वैसे टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई एकदम स्वादिष्ट समोसे हैं, इनमें थोड़ा सा नमक तेज रहता है वही इसको चटकार बनाते हैं। और एक चीज़ है भाई, स्टेशन पर आप आ रहे हैं इसे खा सकते हैं आप, ये दिक्कत मत लीजिए कि बासी होगा कैसा होगा, एकदम गर्मा गर्म मिलेंगे और भाई एकदम ताज़ा ताज़ा रहता है, क्योंकि ये जितने भी लेके आते हैं ना भाई एक ट्रेन आती है सारे के सारे बिक जाते हैं, इतने ज़्यादा यहाँ के फेमस हैं। मैसूर से आप ट्रैवल करने वाले हैं तो भाई ज़रूर से आप लीजिए समोसों को। बाकी आप में से कोई अगर निहालगढ़ रेलवे स्टेशन से या आपके महाराजा बिजली पास रेलवे स्टेशन से आता है तो नीचे कमेंट करके बताएं, और यहाँ के आसपास की क्या क्या चीज़ें फेमस हैं वो भी आप मुझे बताएं।
सुल्तानपुर ना अयोध्या डिवीजन का पार्ट है और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस की सुल्तानपुर जंक्शन पर अराइवल टाइमिंग है 9:25। यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। स्टेशन कोड है SLN। तकरीबन 80 के करीब यहाँ पे ट्रेनें आके हॉल्ट लेते हैं। इस रूट से पास होने वाली सारी ट्रेन सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन रुकती है। इसके अलावा कुछ ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट भी करती हैं, जैसे सुल्तानपुर वाराणसी इंटरसिटी स्पेशल, इसके अलावा सुल्तानपुर अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सुल्तानपुर आनंद विहार सद्भावना एक्सप्रेस, सुल्तानपुर LTT मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन है उस रूट की। इस रूट से पास होने वाली या कहें बनारस से निकलने वाली ट्रेनें पटना से निकलने वालों को ना अच्छी खासी बोर्डिंग डिबोर्डिंग देता है, या कहें पेट्रोनेस देता है सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन। ये देखिए ऑलमोस्ट हर कोच से 2 या 4 लोग तो आराम से उतरे हैं इधर, किसी किसी कोच से ज़्यादा भी लोग उतरे हैं। सुल्तानपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन चल जाती है अयोध्या कैंट की तरफ। जब अयोध्या से लखनऊ वाला रूट थोड़ा सा डिसरप्टिव रहता है ना, तो मोस्टली ट्रेनों को अयोध्या कैंट से फिर सुल्तानपुर के रास्ते आगे लखनऊ की तरफ भेजा जाता है। यहाँ सामने है रूट डाइवर्टेड पूरे आनंद विहार टर्मिनल नीलांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वैसे तो ये वाराणसी से निकलने के बाद भदोही होते हैं, प्रतापगढ़ रायबरेली के रास्ते जाती है लखनऊ की तरफ, लेकिन आज इसका रूट डाइवर्टेड है और आ चुकी है सुल्तानपुर वाले रूट पे। कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से आज प्रतापगढ़ लाइन पर कुछ ब्लॉक वगैरह लिया गया है, इसी कारणवश पूरे आनंद विहार नीलांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस को वाया सुल्तानपुर के रास्ते डाइवर्ट किया गया है। चलो इसके लिए तो ठीक ही है, कंपैरेटिवली और फास्टर रूट से जाएगी ये। नीलांचल एक्सप्रेस का ना रेक शेयरिंग अरेंजमेंट है नंदन कानन एक्सप्रेस के साथ। जब वाया लखनऊ होकर जाती है तब इसे नीलांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस कहते हैं, जब वाया प्रयागराज होते हुए जाती है तब इसे नंदन कानन एक्सप्रेस कहते हैं। और इसका भाई खाना बहुत ही लाजवाब होता है। इसमें मैंने ट्रैवल भी किया है शॉर्ट जर्नी, लेकिन ब्लॉग वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया था, किसी ने इसमें एंड टू एंड जर्नी करेंगे हम लोग। बाकी यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से अपना डिपार्चर हो गया है। कुछ टाइम पहले सुल्तानपुर में यही WZ-12B के साथ एक गुड्स ट्रेन डिले हो गई थी, उसके रिमेन्स अभी भी यहाँ पे हैं। सुल्तानपुर से निकलने के बाद इस वक्त हम लम्हुआ रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और भाई मैं गेट पे ही नहीं जा पाया, तो इसके बीच में डिस्टेंस 30 किलोमीटर था और आप ये देख सकते हैं पूरा गेट दोनों के दोनों भाई पैक्ड हो गए हैं। लम्बुआ का स्टेशन कोड है LBA। पहले ये अपनी जो बेगमपुरा एक्सप्रेस है ना, ये मुकरेन और लम्बुआ रेलवे स्टेशन नहीं रुका करती थी, बाद में पॉलिटिशियंस के प्रेशर की वजह से इन दोनों जगह पे रेलवे बोर्ड ने हॉल्ट अप्रूव कर दिया। और भाई अभी सिंपल सा फंडा है, अगर आपके यहाँ का पॉलिटिशियन स्ट्रांग है तो आप किसी भी ट्रेन को डाइवर्ट करवा सकते हो, किसी भी ट्रेन का आप हॉल्ट पा सकते हो। मतलब आप ये सोचिए जो ट्रेन बरेली स्किप मारती है, मतलब भाई बरेली से तो बड़े स्टेशन नहीं होंगे ना ये मुकरेन, ये अपना लम्बुआ हो गया है ना, फिर भी भाई देख लीजिए बरेली आज तक ये ट्रेन स्किप मारती है। इसके अलावा बहुत ऐसे बीच में जंक्शन जंक्शन रेलवे स्टेशन आते हैं जिसे स्किप मारती है, लेकिन ऐसे जगह जगह पर रुक रही है। इंटरनल में देखिए कोई भी हॉल्ट ना पहले 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस में मिलता है, तो अब उसमें क्या होता है कि अगर उसमें डिसेंट पैटर्नेज आती है तो भाई वो हॉल्ट अप्रूव हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लम्बुआ हॉल्ट भाई गलत चीज़ है, नहीं भाई, यहाँ के लोग जो उतर रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे उतरे हैं, काफ़ी लोग यहाँ से चढ़ते हुए, उनके लिए तो बढ़िया है, वो आप मुझे कमेंट में डांट भी सकते हैं, मतलब गाली वगैरह भी दे सकते हैं। बट आप खुद से एक रीजनेबल तौर पर सोचिए कि सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेनों को क्या ऐसे 20-30 किलोमीटर के हॉल्ट पर रुकना चाहिए जब ट्रेन सुल्तानपुर ऑलरेडी रुकी है। अगर भाई ऐसी हर तीसरे जगह का बंदा उठ के अगर हॉल्ट मांगने लगा तो बताइए कैसे चलेगा। अब मुझे पता है मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, बट इंडियन रेलवे को थोड़ा सा ना इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर सुपर फास्ट ट्रेन है एक डिस्टेंस उसका तय होना चाहिए कि भाई इतना डिस्टेंस से पहले कोई भी सुपर फास्ट ट्रेन नहीं रुकेगी। सेम राजधानी के लिए होना चाहिए, सेम ऐसा दुरंतों वगैरह सबके लिए होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है अगर आपके यहाँ का नेता मजबूत है तो आप किसी भी ट्रेन को एक्सटेंड करवा लो, किसी भी ट्रेन का हॉल्ट पा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस के लम्बुआ रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है 9:53। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट का मात्र हॉल्ट मिलने के बाद निकल चुकी है। अब हमारी ट्रेन यहाँ से सीधे जाके रुकेगी जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन।
जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन पहुंची रही थी, लेकिन किसी जाहिल के जाहिल बना के चक्कर में भाई यहाँ पे हमारी ट्रेन रुक गई है। और उसके पीछे रीज़न क्या है वो तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, एसी पे यानी अलार्म चेन पुलिंग हो चुकी है यहाँ पे। ऐसे लोगों की मैंटलिटी का हम कुछ कर नहीं सकते हैं जिन्हें घर के बाहर मतलब ट्रेन का हॉल चाहिए। अरे भाई भाई देखिए, मेरे हिसाब से ना अगर कोई ऐसे रिमोट एरिया वगैरह में चेन पुलिंग करता है तो भाई वैसे तो इसके पीछे कोई सॉल्यूशन है नहीं अल्टिल या अनलेस आपकी बहुत ही ज़्यादा किस्मत ख़राब हो या जो चेन पुलिंग कर रहा हो उसकी बहुत ही ज़्यादा किस्मत ख़राब हो, तभी भाई हत्ते लग जाए। लेकिन अगर एक बार हत्ते लग जाए ना तो भाई कम से कम उसे एक दिन तो थाने में रखना चाहिए। मतलब भाई क्या सोच है यार, चलो स्टेशन पर आप प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो तो समझ आता है कि भाई आपके परिजन छूट रहे हैं या आपकी ट्रेन छूट रही हो, तो वहाँ चलो समझ भी आता है। जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपना अराइवल हो रहा है। जौनपुर में ना वैसे दो रेलवे स्टेशन है, एक तो अपना जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन जो कि वाराणसी सुल्तानपुर वाली लाइन पे है, और एक है जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि शाहगंज अयोध्या वाली लाइन पे है। इस शहर का सबसे मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन जौनपुर जंक्शन ही है। सिटी तो एक तरह से बनाया गया है ताकि सुल्तानपुर वाले रूट्स की ट्रेनों को यहाँ पर हॉल्ट दिया जा सके। 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस की जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पे अराइवल टाइमिंग में सुबह 10:38 यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट देती है। अपने इस ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर की जर्नी के दौरान ये इसका पेनल्टीमेट हॉल्ट होने वाला है। ट्रेन अब यहाँ से निकलेगी और सीधे जाके रुकेगी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। स्टेशन कोड है JOP। जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन में टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, आप ये देख सकते हैं। ये रहा सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, एक बुक स्टॉल और खाने पीने की दुकान है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा आपको। जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन से वाराणसी जंक्शन की दूरी 58 किलोमीटर की है और इस ट्रेन के पास अभी भी पूरे 90 मिनट्स है, यानी कि तकरीबन 1.5 घंटा है इसके पास वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए। तो भाई अब मुझे लग रहा है कि हम अगर बिफोर टाइम ना भी पहुँच पाएँ तो ऑन टाइम तो हम आराम से पहुँच जाएंगे वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, अनटिल या अनलेस इसको दो जगह ट्रॉल ना किया जाए। एक तो भाई आगे जाफराबाद पर ट्रॉल हो सकती है और दूसरा शिवपुरी के बाद इसको ट्रॉल किया जा सकता है। तो होपफुली भाई आज अपनी किस्मत रहे और इसको एटलीस्ट ऑन टाइम तो भाई पहुंचा दे यार वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। बिफोर टाइम की तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, अगर हो जाए तो भाई मैं शौक ही रहूँगा और थोड़ा बहुत खुश ही रहूँगा अंदर से। पटना जम्मू तवी अर्चना सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ बिल्कुल अपने निर्धारित समय दोपहर में 12:30 पर इस वक्त हम पहुँच रहे हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में। कल दोपहर में 2 बजे हमने इस सफ़र को स्टार्ट किया था जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से। 22:30 में ऑलमोस्ट हमने 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। 2 पार्ट में मैंने आज की इस जर्नी को आप सभी को दिखाया और दोनों पार्ट में मैंने जितना डिटेल में हो सके सब कवर करने की पूरी कोशिश की। अगर कुछ छूट गया हो तो भाई आगे नेक्स्ट टाइम जब भी इस ट्रेन को LHB कोचेस मिल दिए जाएंगे तब मैं इसको एंड टू एंड एक बार फिर से करूँगा, तब उसमें कवर करूँगा। नीचे कमेंट बता करके बता दीजिए कि आपको क्या क्या वीडियो में कमी लगी, क्या क्या अच्छा लगा और कोई जर्नी सजेशन हो आपके मन में तो आप ये भी सब भी मुझे बताएं। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से जाए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना बेस्ट और वर्स्ट पार्ट बताएं। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वाराणसी जंक्शन पर इसका अराइवल, उसके बाद जल्दी मिलते हैं किसी और अच्छी जर्नी के साथ। बेगमपुरा एक्सप्रेस 12238 मीटिंग विद 12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस 12:40 पे इसका यहाँ से डिपार्चर होगा और हमारा यहाँ पे आगमन हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे।